क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे। दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मुश्किल फैसला किया। तायबू की मैयत को ख्वाब में देखा तो एहसास हुआ कि अगर सारे ख्वाब सच्चे नहीं होते तो सारे ख्वाब झूठे भी नहीं होते। ख्वाबों पे मेरा इख्तियार नहीं है, मैं वो ही बताती हूँ जो अल्लाह मुझे दिखाता है। अपने हाथों से शादी करूंगी, ऐसी जगह जहां तुम खुश हो, जिंदगी की हकीकी खुशियां देखो। एक बात पूछो, अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी नहीं है ये? हो सकता है कि बाबर का रिश्ता अल्लाह की रजा से ही आया हो। अल्लाह मुझे बद से बदतरीन मौत अता करे अगर मैं अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी का सोचूं भी तो। अगर अल्लाह की रजा इसी में है कि तुम्हारी बाबर से शादी हो, तो मैं एड़ी चोटी का जोर भी लगा लूंगी ना, तो तुम्हारी शादी बाबर से ही होगी। और अगर कहीं और होनी होगी तो वो भी अल्लाह की रजा से ही होगी, मेरे हाँ या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े वाले पोस्टरों में क्या लिखा है? यही मैटर है शादी। शाबाश, हर जगह ऐलान करवा दो, हर दीवार पर ये पोस्टर लगवा दो। पोस्टर में लिखा हुआ है ना कि हम कोई फीस नहीं लेंगे, पार्किंग फ्री, जूते फ्री और टोकन फ्री। जी शादी लिखा हुआ है। जाओ शाबाश। चलो लड़को, ये सब क्या है शाजी? इम्तियाज के भाई की मौत की वजह से उनका आस्ताना कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। हमने सोचा ऐसे मौके से अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो हमें अकलमंद कौन कहेगा। वाह शाजी वाह, तुम होते कहाँ हो आजकल? मुझे कहाँ जाना शाजी, बस इधर ही होता हूँ आपकी दुआओं में। ज़्यादा दिन आस्ताना बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मशवरा तो यही कि कुछ दिन टोकन फ्री कर दें। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? करने को तो करते हैं, लेकिन फिर बाद में लोग एतराज़ करेंगे कि ये तो फ्री मिलते थे, अब क्यों पैसे ले रहे हैं। मैं संभाल लूँगा, टेंशन की बात नहीं है।